ट्यूब रोड कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आज स्टार्ट करते हैं इजिप्ट के बारे में। इजिप्ट क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है फिलहाल, उसके ऊपर बात करेंगे। इजिप्ट को अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो मेरा वीडियोस पूरी डिटेल्स में देखिए। इजिप्ट एक बड़ा कंट्री है मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका में, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्री है, बहुत बड़ा कंट्री है, मेडिटेरियन सी के पास नज़दीक कंट्री है इजिप्ट। तो इजिप्ट जो है बड़ा कंट्री है, पॉपुलेटेड कंट्री है एंड 10.34 करोड़, यानी 10 करोड़ 34 लाख का पॉपुलेशन है, बड़ा पॉपुलेशन है, परचेसिंग पावर बहुत अच्छा है। तो इस कंट्री को आप टारगेट कर सकते हो और बहुत सारे प्रोडक्ट इजिप्ट इंपोर्ट करता रहता है वर्ल्ड वाइड। 2021 में इजिप्ट $73.8 बिलियन का इंपोर्ट किया था वर्ल्ड वाइड। और इंडिया भी इजिप्ट का 10 टॉप ट्रेडिंग पार्टनर है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पार्टनर है इंडिया। सो इजिप्ट का जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट पार्टनर्स है यूएस है, अमेरिका, चाइना, अमेरिका, सऊदी अरबिया, तुर्की, रशिया एंड यूएई, इटली, बेल्जियम, चाइना एंड इंडिया। ये जो कंट्रीज बता दिया, ये कंट्रीज लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इजिप्ट को, ये कंट्रीज बता दिया। ये देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू इजिप्ट। तो बता दिया आपको सऊदी अरबिया, अमेरिका, यूएसए, अमेरिका, यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, बेल्जियम, फ्रांस, इंडिया, चाइना, तुर्की, रशिया, इटली, ये जो कंट्रीज बता दिया और यूएई, ये कंट्रीज जो देश बता दिया, ये देश ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट इजिप्ट को एक्सपोर्ट करते हैं। एक अरब कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, अरबिक लैंग्वेज में बात करते हैं, कायरो इनका राजधानी है और इजिप्ट का करेंसी का नाम है इजिप्शियन पाउंड। एक टूरिज्म ज़्यादा इस कंट्री में है, टूरिज्म में भी ज़्यादा पैसा कमाता है इजिप्ट। और इजिप्ट को कैसे एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर पुराने वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू एक्सपोर्ट टू इजिप्ट, ट्यूबरोज कॉरपोरेशन। आप यूट्यूब में सर्च बारे में लिखिए हाउ टू एक्सपोर्ट टू इजिप्ट ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो मेरे पुराने वाले वीडियोज देखोगे तो आपको डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ इजिप्ट को कैसे एक्सपोर्ट करोगे। तो 2021-22 में फिलहाल इजिप्ट क्या क्या प्रोडक्ट वर्ल्ड वाइड ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करता है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ताकि आप इन प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा सोर्स करके इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो और इजिप्ट 2023 में भी इन्हीं प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। आइए मैं दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट इजिप्ट इम्पोर्ट्स। तो देख लीजिए, तो आयरन एंड स्टील जाता है, आयरन एंड स्टील, ऑर्गेनिक केमिकल्स, ऑयल सीड्स, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जाता है, ऑल द मेडिसिन फ्रॉम इंडिया, प्लास्टिक एंड प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, सीरियल्स, व्हीकल्स, ऑल द लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स एंड मोटरबाइक्स, मशीनरीज इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, मिनरल फ्यूल इंक्लूडिंग ऑयल। ये जो मेन टॉप प्रोडक्ट आपको दिखा दिया, और भी प्रोडक्ट देख लीजिए जो इजिप्ट ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से एंड वर्ल्ड वाइड इम्पोर्ट करता है। सो इजिप्ट का एक्सपोर्ट के बारे में बता दिया, इजिप्ट क्या क्या प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है। इंडिया से ज़्यादा भी एक्सपोर्ट हो रहा है मीट प्रोडक्ट, चिकन एंड लैम मीट एंड ऑल द मीट्स, बुफालो मीट वगैरह एक्सपोर्ट होता है। कभी कभी इंडिया बैन करता है, कभी कभी इजिप्ट भी बैन करता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में ऑफ द मीट। तो फ्रेश एग्स, फ्रेश चिकन एंड ऑल द मीट्स यू कैन एक्सपोर्ट टू इजिप्ट। एंड आपको इजिप्ट में जो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट भी इंडिया से जाता है, आपको फूड प्रोडक्ट जाता है, ठीक है, फूड प्रोडक्ट जाता है, एफएमसीजी प्रोडक्ट जाता है, गारमेंट्स जाता है, बहुत सारे गारमेंट्स अरब लोग जो पहनते हैं गारमेंट्स और टेक्सटाइल वगैरह जाता है, एक्सपोर्ट होता है। और आप इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो आपको जो कॉस्मेटिक एंड ब्यूटी प्रोडक्ट जो ब्यूटी पार्लर में यूज होता है, और बहुत सारे जो टूरिज्म
बढ़ रहा है इजिप्ट में, और बहुत सारे होटल्स हैं, रिसोर्ट्स है, तो एक्सोटिक फ्रूट्स वगैरह, इंडियन फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इजिप्ट ऐसे ही बहुत सारे प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में। जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स इंडिया में है और इजिप्ट में अवेलेबल नहीं है, उस फ्रूट्स वेजिटेबल्स को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो तो इजिप्ट, ठीक है। और जितने सारे फूड प्रोडक्ट इंडिया टू इजिप्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, तो बहुत सारे जो आपका हो गया आपका आटा गेहूँ वगैरह, इजिप्ट इंपोर्ट करता था रशिया से, फिलहाल वार की वजह से इंडिया से भी इंपोर्ट करने लगा है, आटा वगैरह आटा गेहूँ इंपोर्ट करने लगा है इजिप्ट फ्रॉम इंडिया। और शुगर भी इंपोर्ट करता है, शुगर आप इजिप्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ऑल काइंड्स ऑफ चॉकलेट्स बिस्किट्स एंड ऑल द शुगर प्रोडक्ट्स कैंडी वगैरह एक्सपोर्ट कर सकते हो। और जितने सारे फूड प्रोडक्ट FMCG प्रोडक्ट ब्यूटी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपको रिसोर्ट एंड होटल सप्लाई के लिए जितने सारे प्रोडक्ट यूज होता है इन द होटल्स एंड रिसोर्ट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इजिप्ट बड़ा मार्केट है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है, वहाँ पर आपका जो स्टील एंड एल्युमिनियम का अप्लायंसेस यूटेंसिल्स ऑफ किचन यूटेंसिल्स घर का बर्तन वगैरह आप वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हो। और इजिप्ट भी भारत से और वर्ल्ड वाइड जो आपका एयर कंडीशनिंग AC वगैरह इंपोर्ट करता रहता है, तो ये इजिप्ट एक बड़ा मार्केट है। इजिप्ट को आप AC एंड ऑल काइंड ऑफ फैंस वगैरह इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स वगैरह भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो प्रोडक्ट आपको लिस्ट करके बता दिया, तो हाउ टू एक्सपोर्ट टू इजिप्ट पुराने वीडियोस में मैं बता चुका हूँ क्या क्या ज़्यादा प्रोडक्ट इंपोर्ट करता है इजिप्ट और कैसे आपको इजिप्ट से एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलेगा। तो जो इजिप्ट से एक्सपोर्ट ऑर्डर पाने के लिए सेम प्रोसीजर है, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन में मार्केटिंग कर लीजिए। अगर आपके पास बजट है तो इजिप्ट जाइए, इजिप्ट में रुकिए, कायरो में रुकिए, तो वहाँ पर एक लोकली ट्रांसलेटर को ले लीजिए, क्योंकि अरबिक स्पीकिंग कंट्री है। कायरो में बहुत लोग इंग्लिश बोल पाते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, अरबिक बात करते हैं। तो अगर एक अरबिक स्पीकिंग ट्रांसलेटर को ले लेते हो तो आपको मदद करेगा इजिप्ट में मार्केटिंग करने के लिए। अगर इजिप्ट जाना नहीं चाहते हो, ऑनलाइन में ऑफलाइन में मार्केटिंग कर लीजिए, डिजिटल मार्केटिंग कर लीजिए। इजिप्ट में आप फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर आपका इंस्टाग्राम में मार्केटिंग करिए, इजिप्ट को टारगेट करके। अरबिक में आपका जो स्क्रिप्ट होना चाहिए कंटेंट अरबिक में लिख कर आप स्टार्ट कर लीजिए टू मार्केटिंग इन इजिप्ट। तो इंडिया में जितने सारे हमारे डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज, तो उनको आप काम मत दीजिएगा, क्योंकि इजिप्ट में जो अरबिक स्पीकिंग कंट्री में स्पेशलाइज्ड है अरबिक लैंग्वेज में, वही लोग ही मार्केटिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट होगा ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में ठीक है, इंडियन डिजिटल मार्केटर कर सकते हैं, लेकिन जो अलग लैंग्वेज होता है चाइनीज जापनीज कोरियन आपका जर्मन रशियन एंड अरबिक लैंग्वेज है, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग को एक्सपर्ट होना चाहिए लैंग्वेज में। अगर आप इजिप्ट में कोई भी डिजिटल मार्केटिंग कंपनी को कॉन्टैक्ट कर लीजिए, वो इजिप्ट में आपके लिए मार्केटिंग करेगा डिजिटल मार्केटिंग में, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से ऑर्डर मिल सकता है। नहीं तो आप हमारे कंपनी को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारा कंपनी वर्ल्ड में जितने सारे लैंग्वेजेस है अलग अलग कंट्री का अलग अलग लैंग्वेज में हम लोग वेबसाइट बनाते हैं, वीडियोज बनाते हैं और डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं। एग्जाम्पल आपको साउथ कोरिया में आपको मार्केटिंग करना है तो हम साउथ कोरियन लैंग्वेज में मार्केटिंग करके देंगे। चाइना में करना है तो चाइनीज लैंग्वेज में करके देंगे। जर्मनी में करना है जर्मनी एंड जर्मनी स्पीकिंग कंट्री में तो जर्मन लैंग्वेज में करके देंगे। रशिया में रशियन लैंग्वेज, ऑल द अरब कंट्रीज में अरबिक लैंग्वेज में हम आपको मार्केटिंग करके देंगे। तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या कोई भी कंपनीज दो जहाँ स्पेशलाइज्ड इन द डिफरेंट लैंग्वेजेस उनको भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर इजिप्ट डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। इजिप्ट में बहुत सारे न्यूज़पेपर है इंग्लिश में अरबिक में, इंग्लिश अरबिक न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो। और वहाँ पर रेडियो भी है TV भी है, वहाँ पर एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा फ्रॉम इजिप्ट। अगर आप ऑफलाइन ऑनलाइन मार्केटिंग करोगे तो एक्सपोर्ट ऑर्डर काफ़ी ज़्यादा मिल सकता है। तो पुराना वीडियोज में मैं बता चुका हूँ इजिप्ट में कितने सारे B2B ट्रेड पोर्टल्स है और कितने सारे न्यूज़पेपर्स है, मैं बता चुका हूँ। पुराना वीडियोज देख लीजिए और उनमें से उन वीडियोज में आप मेरे जितने सारे डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपका B2B ट्रेड पोर्टल्स ले लीजिए इजिप्ट का, उसमें रजिस्टर करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर लीजिए और इजिप्ट में सर्च कर लीजिए हु आर द बायर्स बाइंग कंट्री बाइंग कंपनीज, उनको कॉन्टैक्ट करके कम्युनिकेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। ऑल्सो आप ईमेल मार्केटिंग भी कर सकते हैं टू इजिप्ट। तो मैं डिटेल्स में बता दिया इजिप्ट को क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, फिलहाल इजिप्ट इंपोर्ट कर रहा है, तो इन प्रोडक्ट को सोर्स करके भारत से इजिप्ट को आप इजीली एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि आपके लिए मैं काफ़ी सारे वीडियोज़ ला पाऊँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।